साफ करने के लिए, मन के विक्षेप को दूर करने के लिए पहले पहले गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान, उसके बाद आगे का रास्ता खुलेगा। तो अगर पहली सीढ़ी को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो रास्ता बंद मिलेगा। हम कहते हैं मन लगता नहीं, मन लगेगा तभी जब गुरु की मूर्ति का अभ्यास करेंगे। और विषय त्यागे होए वैरागी, पावन पाठ पढ़िए। तो उन सतपुरुषों का जो वचन है, उनकी वाणी है, वो है पावन पाठ, जो बार बार शिक्षा देते कि तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। अमरापुर वाणी का अमृत सबको दे गए, अमरापुर वाणी का अमृत सबको दे गए। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। संसार के माही संत समागम मिलते। तो अपनी अमृतमयी वाणी में आचार्य सतगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज सत उपदेश देते हैं कि सत्संग परमात्मा की कृपा से मिलता है, पूर्व पुण्यों से मिलता है, और जब उस ईश्वर गुरु की अनंत कृपा होती है तभी सत्संग की दो घड़ियां मिलती है। सतगुरु के वचनों से शांति मिलती है, आनंद मन में परसे उलझन मिटती है। सतगुरु के वचनों से शांति मिलती है, आनंद मन में परसे उलझन मिटती है। सतगुरु बस जिसके मन में सुख है उसके जीवन में, सतगुरु बस जिसके मन में सुख है उसके जीवन में। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। श्लोक मंत्र पर वो प्रसन्न नहीं होते, अपनी सीधी सरल भाषा में हृदय की पुकार उस परमात्मा तक पहुंचती है। भले ही उसे कुछ भी बाहरी शास्त्रों का ज्ञान न हो, वेद मंत्र नाते हो,
किसी संस्कृत या विशेष भाषा का ज्ञान न हो चिंता नहीं, परमात्मा तक कोई भाषा नहीं, मन के भाव पहुंचते हैं। पथ मेरा ही भटके शांति न पाए, तेरी कृपा से उसको मंजिल मिल जाए। पथ मेरा ही भटके शांति ना पाए, तेरी कृपा से उसको मंजिल मिल जाए। तू ही शक्ति दाता है, सबका पिता और माता है। तू ही शक्ति दाता है, सबका पिता और माता है। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। शरीर मृत होने के बाद काम में आता है, लेकिन मनुष्य का शरीर अगर उसने भक्ति नहीं की तो जीते जी भी किसी के काम आने वाला नहीं, और मृत्यु के बाद भी काम आने वाला नहीं।